कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और इसकी देखिए वेरी सोच भी इतना अच्छा है कि आप ऐसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ छुट्टे मनाने के लिए धन्यवाद सर। श्री अश्विनी कुमार जी बेस्ट कम्युनिटी कॉन्ट जो कि हाँ जी किसान भाइयों बहनों देवियों सज्जनों को संरक्षण मैं सबसे पहले प्रोफेसर जेपी शर्मा उनकी टीम तथा किश्तवाड़ डोडा रजौरी कठुआ के किसान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा। दो साल पहले डॉक्टर शर्मा ने हींग की खेती की पहल शुरू की और इन चार जिलों के किसानों ने आगे बढ़कर इसमें सहयोग किया। उनके इस प्रयास को देश में नहीं बल्कि दुनिया में आज सराहना मिली है और पिछले महीने अमेरिका के एक प्रसिद्ध मैगजीन न्यू यॉर्कर में हींग के संदर्भ में एक आर्टिकल छपी जिसमें जम्मू के जिलों का जिक्र और उनकी खेती का जिक्र है। आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र रामबन और किश्तवाड़ का भी वर्चुअल रूप से शुभारंभ आपके बीच किया गया। अब जम्मू रीजन के लगभग सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हो जाएंगे। इस पांच दिवसीय मेले के लिए इससे बेहतर कोई और शुभारंभ नहीं हो सकता। मैं सभी किसान भाइयों को जो आज सम्मानित हुए हैं और प्रोग्रेसिव किसान भाइयों अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगर देश में आप देखें तो किसान भाइयों की मेहनत के कारण लगभग 2157 लाख टन अनाज का उत्पादन इस वर्ष हुआ जो गत वर्ष की तुलना में 50 लाख टन अधिक है। दलहन का कुल उत्पादन 277 लाख टन और तिलहन का 377 लाख टन। ये अगर आप देखें तो पूरे कृषि क्षेत्र के लिए एक नया रिकॉर्ड रखने गए। भारत सरकार ने अगले साल का जो लक्ष्य रखा है वो 3280 लाख टन और इसमें 1648 लाख टन पैदावार की उम्मीद रबी सीजन में ही सरकार की है।